मान रहीम, ये जुल्म और बर्बरी, ये जुल्म और बर्बरियत जो है सुप्रीम कोर्ट के, यार पीछे हो जाओ एक देर, ये बस यार खामोश रहो यार, ये जुल्म और बर्बरियत जो आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज अपनी इंतखाबी मुहिम की इब्तदा करने जा रहे थे, ये इस बात की दलील है कि निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। और आज केपीके की हुकूमत भी भाग गई है, 8 दिन आगे डेट दे दी है। सो मेरी सुप्रीम कोर्ट से ही अपील होगी, ये मेरी अपील होगी कि ये आपका अजीम फैसला सो मोटिव लेवल पर सारे पाकिस्तान में लिया गया है, सारे मुल्क पे लागू है। आज लाहौर में टीयर गैस चलाई जा रही है, जमान पार्क के रास्ते बंद हैं, पानी मारा जा रहा है, औरतों बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि ये सो मोटिव जो आपने लिया, जिस पर मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है इंतखाब है। ये इमरान खान से डरे हुए 13 जमाती और उसके हम नवा ये कौम को बताएं कि आज पहला दिन इंतखाबी मुहिम इमरान खान शुरू करने लगा है, सारे चौक चौराहे बंद कर दिए हैं। तो कितनी दफा रखना है यार, सारे चौक और चौराहे बंद कर दिए हैं। इमरान खान इस वक्त अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं, उनकी मीडिया टीम आपसे बेहतर तौर पर बताएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने की साजिश कर रहा है, एक बिलावल उधर है, वेमन डे मना रहा है न्यूयॉर्क में, आसफ जरदारी कहता है डिफॉल्ट नहीं हो रहा, और एक निगरान जो है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं, उसने सारे लाहौर को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटिव एक्शन ले, और इमरान खान जो आज सदर की दी हुई तारीख पर जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, बाहर निकलने वाले थे, सारे चौक चौराहे बंद कर दिए। आप प्लीज साइड पे हो जाए, इस तरह ना करें, आप इनके साइड पे करें, आप पीछे हो जाओ, आप थोड़ा सा और प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है पीछे, ये फोन पीछे कर, इसके फोन हटा दो यहाँ से, तो पीछे कर, अब इससे आगे नहीं होना, और आप भी थोड़ा सा पीछे हो ना, आप लोग खुद आगे आते हैं जिसकी वजह से वो लोग आगे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जिस तरह विमेन इंटरनेशनल डे के ऊपर खवातीन के ऊपर तशद्दुद, शेलिंग, केमिकल वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, 25 मई की तरह गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, आज इंशाल्लाह इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी। हम हमारी लीगल टीम के साथ मुशावरत जारी है, हमारी वीडियो लिंक के थ्रू भी मीटिंग हो रही है तमाम मुल्क के मायानाज लीगल एक्सपर्ट्स के साथ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है रैली निकालना, और पुरमन रैली थी, हमारा ये कोई एहतजाज भी नहीं था जिसपे दफा 144 पूरे लाहौर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। जिस तरह से हमारे कारकुनान के ऊपर बेतहाशा तशद्दुद, 25 मई से भी ज्यादा बर्बरियत, और आज मेरे लाहौर की सड़कें फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मनाजिर पेश कर रही हैं, माल लोड के ऊपर केमिकल वाटर, हमारे कारकुनान को सरों के ऊपर चोटें लगाई जा रही हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, और ये हमें कोशिश कर रहे हैं इस तरह से एक पॉलिटिकल जमात के लोगों को, जो कि अपना एक हक एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकले हैं, कैंपेन की शक्ल में उनको दबा लेंगे? नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कारकुन इनका मुकाबला करें पुरमन रह के। हम कहीं नहीं जाने वाले, जो माल लोड और ठंडी सड़क और डेविस रोड के करीब है वो जमान पार्क पहुंचे,
बाकी पुरमन तरीके से हमने जिस जिस जगह से रैलियां हैं वो आए, और मैं इनको बताना चाहती हूँ, हमें पता है आपकी कांपे टांग रही हैं, हमें पता है आप लोग बहुत घबरा चुके हैं, और घबराहट के अंदर, बौखलाहट के अंदर ये जो इंतकामी कार्रवाइयां, जरदारी का पिल्ला, जरदारी का पालतू जो कर रहा है, तो मैं उसे बताना चाहती हूँ, आप इंटरिम सेटअप के लिए आए हो। हम इसमें आला अदलिया से भी इस वक्त गुजारिश करते हैं, ठीक है हमारी एप्लीकेशन आएगी, ठीक है हम आपसे रुजू करने का सारा मुशावरती अमल जारी है, लेकिन आपको चाहिए, मेरी अपील है, इस पे सो मोटो एक्शन बनता है। आज पुरमन रैली जो कि एक कैंपेन का हिस्सा है, जो कि 30 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, मुझे ये बताएं, अगर हमने रैलियों और जलसे नहीं कर रहे तो हमें बताया जाए, हमें अदलिया से बताया जाए, हमें गाइड किया जाए, हमारी आईनी तौर पर रहनुमाई की जाए कि हमने करना क्या है। और ये जो टोला जिस तरह से ये गासवाना कब्जा करके मेरे वतन अजीज के ऊपर बैठा है, जिस तरह से इन्होंने हमारे इंसानी बुनियादी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, इंशाल्लाह मदलिया की तरफ देख रहे हैं, वो इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। मुझे ये बताएं, पैमरा पेपा बंदी, क्या आप जो एक सियासी रैली है उसके ऊपर भी पैमरा पाबंदी लगाएगा? शर्म से डूब मरने का मकाम है क्या? खान साहब ने पहले भी जो पैमरा के ऊपर, खान साहब के ऊपर मजहका खैज पाबंदी लगाई गई, मैं आला अदलिया के तो हम गए ही हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के तवसुत से, आप सारे वहाँ पे स्पीच को कवर कर रहे थे, खुदारा हमें बताया जाए किस इदारे का नाम लिया था, इदारे की किस शख्सियत का नाम लिया था, या वो इदारा सामने आए जो समझता है कि उसकी तौहीन हुई है, और वो आके वाजे करे, अवाम को आगाह करे कि कहाँ पे किसकी तौहीन हुई है। और एक तरफ लोग तौहीन करते थकते नहीं है, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं लगती, आखिर क्यों? यही तो वजह है कि हम निकले हुए हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, जिसमें मरियम लाडली वो प्लास्टिक की गुड़िया जब वो कानून और आयन तोड़ती है उसके लिए खुली छूट है, भले वो फूल बरसाए, भले वो पत्थर बरसाए या मुंह से आग निकाले, ये मुंह से आग निकालने का सिलसिला बंद होना चाहिए, हमारे ऊपर आग बरसाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ, सारी खान साहब की जो लीगल टीम है मुल्क भर में, वो उनका इजलास जारी है, हम अपने जो लीगल और आईनी इख्तियारात है उनसे दस्तबरदार नहीं होंगे। कारकुनान को मैं बार बार लम्हा ब लम्हा इसलिए आ रही हूँ कि बहुत ज्यादा तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा लाठी चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल वाले तेजाब मिले पानी का इस्तेमाल हो रहा है। आपने पुरमन रहना है, लेकिन हम नहीं मुड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम अपनी ये जमहूरी जिदोजहद और जो आईनी और जमहूरी हमारा हक है उसको हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। कितनी कितनी टोटल नंबर्स हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, कोई फिगर्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी इस वक्त तक जो है तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, और मैं एक बात कहना भूल गई थी, 25 मई से भी बुरे मनाजिर, और ये इंटरिम गवर्नमेंट है, और हमारी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, दर्जनों गाड़ियां, हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहला हमला ही जो पुलिस फोर्स है उसमें मिले हुए लोग, राणा सनाउला के गुंडा बरदार फोर्स है उसमें जो सरों के ऊपर वार कर रहे हैं। आप लाठी चार्ज कर किस लिए रहे हैं? क्या कोई किसी ने मतभेड़ की, किसी ने हमारे कारकुन ने लड़ाई की? कोई एक फुटेज तो होगी ना, पुरमन लोगों की गाड़ियां दूर खड़ी हुई हैं और उनके ऊपर पानी का और केमिकल का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद गाड़ियों के ऊपर जिसमें अभी कारकुनों ने आके बैठना है, खड़ी गाड़ियों के ऊपर, या तो वो आ रही हो, उन्होंने पुलिस को क्रॉस किया हो तो वो वायलेंस करें, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। बेशर्मो, शर्म से डूब मरो, इलेक्शन में फिर भी तुम लोगों ने जाना है, हमें पता है आवाम ने आपके ऊपर कैंपेन के रास्ते बंद कर दिए हैं, हमें ये सारी बातें पता है, लेकिन जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। क्या, क्या,